नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार को एक साथ घेरने की तैयारी में विपक्ष। दिल्ली में 27 दिसंबर को होगी विपक्षी दलों की बैठक। सोनिया गांधी, ममता बनर्जी समेत 16 विपक्षी दलों के नेता होंगे बैठक में शामिल। सरकार को घेरने की बनाएंगे रणनीति। पद्म सम्मान से सम्मानित जाने माने डॉक्टर सुरेश अडवाणी के खिलाफ मुंबई में केस दर्ज। 10 करोड़ के काले धन को सफेद करने का है आरोप। बीजेपी सांसद प्रीतम मुंडे के वैद्यनाथ कॉरपोरेटिव बैंक में छापेमारी के बाद हुआ खुलासा। नोटबंदी के बाद सर्राफा कारोबारियों पर सबसे बड़ी कार्रवाई। दिल्ली और नोएडा में श्रीलाल महल लिमिटेड पर रेट में 340 किलो सोने की कालाबाजारी का खुलासा। जब्त हुई 80 किलो चांदी। पीएम मोदी आज मुंबई के समंदर में शिवाजी के भव्य स्मारक की रखेंगे आधारशिला। 3600 करोड़ की लागत से तैयार होगा विशाल का स्मारक। पीएम मुंबई पुणे मेट्रो की भी देंगे सौगात। मुंबई के पवई लेक में रॉड से टकराकर डूबी नाव। हादसे में 5 लोगों को बचाया गया। अभी भी 3 लोगों की हो रही है तलाश। दिल्ली एनसीआर में फिर कोहरे की मार। दिल्ली आने वाली 52 ट्रेनें लेट, 5 ट्रेनें रद्द। हवाई यात्राओं पर भी पड़ रहा है बुरा असर। और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का बादशाह बना भारत। फाइनल में श्रीलंका को 34 रन से हराकर बना चैंपियन। कप्तान अभिषेक शर्मा बने मैन ऑफ द मैच। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।